सिविल डिफेंस या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो किसी किसी कंपनी में आपको पीसीसी लेटर की जरूरत पड़ती है। पीसीसी यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसे पुलिस वेरिफिकेशन भी कहा जाता है, इसको ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, जो कि इस वीडियो में आपको पूरा सेटअप बाय सेटअप पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। पीसीसी अप्लाई करने के लिए आपको किसी कंपनी का लेटर हेड की जरूरत पड़ती है। अगर आप सिविल डिफेंस में अप्लाई कर रहे हो तो उसका लेटर मैं दिखा दूंगा आपको कि कहां से डाउनलोड करके उसे फिल करके अपलोड करना है। आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो उस कंपनी का भी लेटर हेड चाहिए होगा। या किसी वजह से पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहते हो तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो सकता है, आपके फीस भी वेस्ट जाएगी। इस तरह आपको पुलिस वेरिफिकेशन यानी पीसीसी के लिए अप्लाई किया जाता है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अपने ब्राउजर में जाना है, यहाँ आपको टाइप कर देना है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद देखिए सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही होगी, सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही होगी दिल्ली पुलिस NIC.in। यहाँ आपको सिटीजन सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। चाहे तो आप ऊपर वाले ऊपर वाली वेबसाइट पर भी क्लिक कर सकते हैं। सिटीजन सर्विस पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर नीचे पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये देखिए यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल आपको रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। सेंड मी वैलिडेट कोड वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। आपको ईमेल आईडी पे वैलिडेट कोड गया होगा, आपको ये मेल खोल देना है। देखिए यहाँ पे वैलिडेट कोड आया होगा 6 डिजिट का, ये आपको कॉपी कर लेना है, ये आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको सबमिट का बटन दबा देना है। उस तरीके से आपका एक नया फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल चूज करना है यूजर टाइप में। यहाँ आपको अपना नाम डाल देना है, यहाँ आपको अपना नाम और ईमेल आईडी अपने आप आ जाएगी। यहाँ आपको यहाँ पासवर्ड जनरेट कर लेना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड दोबारा से टाइप कर देना है। यहाँ आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर लेना है और साइन अप के बटन पे क्लिक कर लेना है। जो ईमेल आईडी रजिस्टर करी थी वो ईमेल आईडी आपको यहाँ डाल देनी है। आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ डाल देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन का बटन दबा देना है। सबसे पहले आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ आपको अपना नाम डाल लेना है। आप मिस्टर मिस या MRS जो भी आप लगाते हो वो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको फादर डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ जो भी लगाते हो उनका नाम डाल देना है। आपको यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। यहाँ आपको पूरा एड्रेस डाल देना है, आपको आप कब से कब तक इस एड्रेस पे रह रहे हो वो यहाँ आपको डाल देना है। अगर आप रेंट पे रहते हो और आप करंटली जहाँ रह रहे हो वहाँ का यहाँ एड्रेस डाल देना है। आप कब से कब तक यहाँ इस एड्रेस पे रह रहे हो वो यहाँ डाल देना है। उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक कर लेना है, वो दूसरा एड्रेस भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको नेशनलिटी इंडियन चूज कर लेनी है। उसके बाद यहाँ आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है। फिर नीचे आना है आपको, यहाँ आपके एरिया का कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है वो पुलिस स्टेशन आपको यहाँ चूज़ कर लेना है। जैसे आप पुलिस स्टेशन चूज़ करोगे यहाँ डिस्ट्रिक्ट अपने आप ऑटोमेटिक चूज़ हो जाएगी। यहाँ आपने जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर करा था वो यहाँ शो हो जाएगा। ईमेल आईडी आपने जो डाली थी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पीसीसी टाइप में एम्प्लॉयमेंट चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको जेंडर चूज कर लेना है, आप मेल है या फीमेल है वो चूज कर लेना है। आप जैसे मैं अगर आप सिविल डिफेंस में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सिविल डिफेंस डाल देना है। और उस जिस सिविल डिफेंस जाता है देखिए आपके सामने फॉर्म दिख रहा होगा, सबसे ऊपर नाम लिखा होगा वही आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको उसका एड्रेस डाल देना है जो यहाँ फॉर्म में दिख रहा है एड्रेस, तो वो यहाँ आपको एड्रेस डाल देना है। ऐसे आप अगर आप कंपनी के लिए अप्लाई करो तो उस कंपनी का यहाँ एड्रेस भी डाल सकते हो। यहाँ उस कंपनी का फ़ोन नंबर डाल देना है। आप कोई क्रिमिनल केस है तो यहाँ यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। यहाँ देखिए आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो
20 KB में अपलोड कर लेनी है JPG फाइल में। ऐसे आपको यहाँ पर रेसिडेंट प्रूफ देना होगा, सेकंड लाइन में आपको दिख रहा होगा, ये भी आपको 200 KB में अपलोड करना है। और आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन आई कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट और टेलीफोन बिल भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जहाँ आप करेंटली रह रहे हो। उसके बाद यहाँ पे अटैच PCC लेटर, देखिए मैं सिविल डिफेंस के लिए यहाँ फॉर्म भर रहा हूँ तो ये सामने आपके लेटर है, तो ये फिल करके आपको ये अपलोड कर लेना है। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो उसका लेटर या फिर उसका आई कार्ड भी यहाँ लगा सकते हो। अगर आपके पास अगर उस कंपनी का आई कार्ड है या फिर लेटर है वो अपलोड कर लेना है। अगर आप अपलोड नहीं करते हो तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए PCC लेटर, एजेंसी लेटर, इसलिए अटैच एजेंसी लेटर जरूर आप यहाँ डालें। यहाँ आप अगर आप रेंट पे रहते हो तो यहाँ रेंट एग्रीमेंट डाल देना है, वो भी 200 KB पर। उसके बाद आप सेव का बटन पे क्लिक कर लेना है अपलोड करने के बाद। और देखिए यहाँ नीचे अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपना एक बार फॉर्म दोबारा रीचेक जरूर कर ले, कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर मैंने PCC लेटर में जो एड्रेस डाला था ऊपर शो हो जाएगा। ये देखिए मैंने सिविल डिफेंस का यहाँ पर एड्रेस डाल दिया है जो फॉर्म में डला हुआ था। उसके बाद आप दोबारा से आप कोई क्रॉस चेक करके इसे अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नाउ का बटन दबा देना है। पे नाउ का बटन दबाने के बाद अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं डेबिट कार्ड से करना चाहता हूँ तो मैं डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद पे नाउ का बटन दबा देना है आपको। पे नाउ का बटन दबाने के बाद ये दो तरह के कार्ड एक्सेप्ट करता है, मास्टर और वीज़ा, तो आपका इन दोनों में से जो सा कार्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। मेरा वीज़ा कार्ड है तो मैं वीज़ा कार्ड पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ कार्ड नंबर डाल देना है आपको, एक्सपायरी मंथ और ईयर डाल देना है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड CVV डाल देना है। उसके बाद पे नाउ का बटन दबा देना है। पे नाउ का बटन दबाने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा, वो OTP आपको यहाँ डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको सबमिट का बटन दबा देना है। सबमिट का बटन दबाने के बाद ये पेमेंट अपने आप ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाएगी। यहाँ पे आप फीस रिसीप आपके सामने आ जाएगी, आप चाहे इसका तो प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको सेव करने के बाद देखिए आप इसका स्टेटस जानने के लिए, आपने जो PCC लेटर के लिए अप्लाई किया है उसका स्टेटस जानने के लिए आपको दोबारा होम पेज पर आना होगा। यहाँ आपको दोबारा से PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है आपको। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे PCC कन्फर्मेशन स्टेटस, यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ देखिए यहाँ पे आपको PCC नंबर डाल देना है, यहाँ आपको अपना नाम डाल देना है जो आपने डाला था, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी आपने नाम डाला है वो यहाँ आपको डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सर्च के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सर्च के बटन पे क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, यहाँ आपका नाम, एड्रेस आ जाएगा, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी नाम है वो यहाँ आ जाएगा, जिस दिन अप्लाई करा आपने यहाँ पे उसकी डेट आ जाएगी। और यहाँ देखिए यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है, अगर यहाँ पे अप्रूवल हो जाएगा तो आप यहाँ से भी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तेरा आप PCC लेटर के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।